I'm your teacher from Sumit Singh Convent School, Bupiyama, Pratapgarh. I hope you all are enjoying our classes. So, चलिए start करते हैं अपना homework. ठीक है? देखिए मैंने अभी जो आप लोगों को class work बताया, इस video में मैं उससे related आपको homework दूंगी. ठीक है? तो चलिए start करते हैं. आप लोग अपनी अपनी हिंदी के स्वर गुनगुन की book open करिए. I hope आप लोगों को मजा आ रही होगी. चलिए आज हम लोग ने क्या पढ़ा? आज हम लोग ने पढ़ा पेज नंबर 8, आओ मात्राएं जाने. ठीक है? तो इसमें मैं हम लोग ने बहुत सारी मात्राएं जानी ना. ये देखिए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी. छोटा में तो मात्राएं नहीं होती, इसलिए क्रॉस का निशान बना था. ठीक है? अब देखिए, ये तो इतनी मात्राएं हैं, पर पता है जब आप लोग सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको बहुत सारी मात्राएं दिखेगी और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिखेंगे. वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और लिखने में काफी बहुत मजा आती है. ठीक है? वैसे वर्ड रहेंगे तो चलिए उसको भी आप जब बड़े होते रहेंगे तो हम आपको सिखाते रहेंगे वो. ठीक है? चलिए आज हम लोग अपना होमवर्क देखते हैं. देखिए क्लास वर्क तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, बट होमवर्क में मैं आप लोग को कॉपी वर्क दूंगी. ठीक है? तो आप लोग अपने अपनी हिंदी की कॉपी ओपन करिए. देखिए क्या लिखा है इधर. होमवर्क पहले लिखना है, जैसे आप लोग सारे सब्जेक्ट में करते हैं ना. और यहाँ पे क्लास UKG है आपका और यहाँ पे day 5. ठीक है? अब देखिए आपका क्या है होमवर्क. खाली जगह भरिए. जैसे इंग्लिश में आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना, फिलअप करते हैं, उसमें डैश को आपको फिल करना रहता है, वही आपका हिंदी में भी है. ठीक है? जैसे इधर क्या लिखा है, ब, इधर डैश ब्लॉक बना हुआ है ना, और यहाँ न, तो आपको बीच में फिल करना है. ठीक है? जैसे क ब्लॉक एम, तो यहाँ पे बीच में फिल करना है. तो कैसे करना, मैं ये आप लोग को एक बार बता दे रही हूँ. एक वर्ड बनाना है. ठीक है? आपको जैसे ब न, इसके बीच में कौन सा वर्ड, ब ट न, ये देखिए ये ट लिख दिया, ब ट न. देखिए आपकी जो एक मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था ना, तीन अक्षरों वाले शब्द बिना मात्रा के, ये पूरा वर्ड उसी चैप्टर का है. ठीक है? तो आपको अगर कोई वर्ड ना मिले तो आप उस चैप्टर को ओपन करके भी देख सकते हैं. ठीक है? नेक्स्ट क्या था, क ब्लॉक म, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क लम. ठीक है? अब ब ब्लॉक न, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ब टन. ठीक है? इसी तरह से आपको ये पूरा लिखना है. देखिए प ब्लॉक क, तो इसमें बीच में क्या लिखना है, प लक. ठीक है? अब यहाँ पे च ब्लॉक क, तो यहाँ पे च मक. न ब्लॉक र, न हर. ट ब्लॉक क, ट पक. म ब्लॉक र, म टर. श ब्लॉक द, श हद. झ ब्लॉक ट, तो ब्लॉक में क्या लिखना है, झ प ट. ठीक है? ऐसे ये आप लोग को करना है. समझ गए आप लोग? इसे आप लोग नीट एंड क्लीन लाइन टच करा के करेंगे. ठीक है? ओके. अब आप लोग ओपन करिए अपनी अपनी इंग्लिश की बुक. तो कर लिया आप लोग ने ओपन. देखिए आज हम लोग ने सिस्टमैटिक इंग्लिश में क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ा फ्यूनिक साउंड ऑफ आई ना, पेज नंबर 12 एंड 13 पढ़ा था ना हम लोग ने. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है? चलिए आज हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, कॉपी वर्क करेंगे. ठीक है? ये देखिए, ये आप लोग अपने अपने इंग्लिश की कॉपी ओपन करेंगे. यहाँ पे आप लोग होमवर्क डालेंगे, यहाँ पे क्लास UKG और यहाँ पे day 5. ठीक है? तो आप लोग पहले क्या लिखेंगे, राइट A to Z लेटर्स. ठीक है? ये देखिए कैपिटल लेटर में A to Z लिखा है, तो आपको तो कैपिटल लेटर बहुत अच्छे से आता है और मुझे पता है आप लोग ये 10 मिनट्स में अपना कंप्लीट कर लोगे. ठीक है? ये देखिए आपको कैसे लिखना है, A B. ठीक है? ऐसे करके C, ओके, G, E F, G H, I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैम ने ऐसे हल्का हल्का ऊपर ऊपर से क्या किया, तो वो मैंने एक तरह से आपको थोड़ी सी लाइनिंग दी थी. ठीक है? जिसे आप लोग इशारों में आपको कुछ बोलो तो आप लोग समझ जाते हो ना, वैसे मैंने जो लिखा है उसके ऊपर ऐसे लाइनिंग वाइज दिखा दिया, जिससे आपके मेरे हैंड्स के मूवमेंट को देख के, मोशन को देख के आप समझ जाओ इसे ऐसे बनाना है. ठीक है? समझ गए आप लोग? इसीलिए मैंने ये ऐसे कर दिया, वरना आप लोग ये ना सोचना कि मैम क्या कर रही है. ओके? तो ये थे हम लोग का इंग्लिश का होमवर्क. ठीक है? अब आप लोग ओपन करिए अपनी अपनी मैथ्स की बुक. तो कर लिया आप लोग ने अपने अपनी मैथ्स की बुक ओपन. देखिए आज हम लोग ने मैथ्स में क्लास वर्क में क्या किया, पेज नंबर 11 एंड 12. ठीक है? पेज नंबर 11 एंड 12 किया.
देखिए इधर हम लोग ने क्या किया था, फिल किया था ना, स्पेलिंग्स फिल की थी। अब देखिए इसमें हम लोग का होमवर्क है, ये तो हम लोग का क्लास वर्क हो गया, अब होमवर्क हम लोग का कॉपी में है। ठीक है, आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए मैथ्स की। ठीक है, देखिए आपकी कॉपी है, आप लोग पहले यहाँ होमवर्क डालेंगे, फिर यहाँ क्लास यू के जी, फिर यहाँ डे 5 डाल दिए, इतना तो आपको हर सब्जेक्ट में डालना है। फिर यहाँ पे लिखना है राइट 1 to 10 नंबर्स नेम। ठीक है, देखिए 1 to 10 नंबर्स नेम मैंने आप लोग को बताया है ना हर जगह, अभी मैंने बैक पिछले चैप्टर में भी बताया था, चैप्टर 2 में काउंटिंग अप टू 10 में, उसमें भी हम लोग के नंबर्स थे ना। अब देखिए इसमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा 1, फिर यहाँ ओ एन ई 1 स्पेलिंग में लिखा, फिर 2, फिर टी डब्ल्यू ओ 2, तो आपको क्या करना है, जो डैश यहाँ पे पहले 2 लिखना है, फिर साइड वाले में क्या लिखना है, टी डब्ल्यू ओ 2 साइड में फिर लिखना है। मैंने पेंसिल से इसलिए लिखा है ताकि आप समझ जाए कि हम लोग को ऐसे ही पेंसिल से लिख रहा है। ठीक है, आप लोग को पेंसिल नहीं लिखना है, आप लोग को भी पेंसिल से ऐसे नीट एंड क्लीन लाइन टच करा के लिखना है। ओके, समझ गए आप लोग। तो ये था आप लोग का मैथ्स का होमवर्क। अब आप लोग ओपन करिए अपनी अपनी राइम्स की बुक। तो कर लिया आप लोग ने ओपन राइम्स की बुक। देखिए आज हम लोग ने क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ा हिंदी की राइम्स ना, पेज नंबर 14, बुरी बात। बुरी बात पढ़ा ना हम लोग ने, तो इस चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, गांधी जी के बारे में पढ़ा था कि वो कोई 3 बात बोलते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। बुरा बोलना पाप, बुरा सुनना पाप और बुरा देखना पाप ना, ऐसा गांधी जी बोलते थे। ठीक है, अगर हम लोग दूसरे वर्ड में बोले, मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे, ठीक है, तो आप लोग उसको जोक में ना लीजिएगा, ये रियल में है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग अभी भी, जैसे हम लोग को दादी हुई घर पे तो वो कहानियां सुनाती हैं स्टोरी, तो वो जब गांधी जी के बारे में बताती हैं तो वो ऐसा ही बोलती हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। ठीक है, तो ये रियलिटी है, कई लोगों ने आप में से देखा भी होगा, सुना भी होगा। ठीक है, समझ गए। तो गांधी जी की जो 3 बातें थी उसे हम सबको फॉलो करना चाहिए, ऐसा इस पोयम में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो अब देखिए आपका होमवर्क क्या है, ये तो क्लास वर्क मैंने बताया था, होमवर्क में आप लोग को इसको लाइन को काउंट करके लर्न करना है। चलिए मेरे साथ आप लोग काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन है टोटल ना, तो 7 लाइन आपको क्या करना है, लर्न करना है अच्छे से। समझ गए आप लोग, ये पूरे बहुत इजी पोएम है, ये आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी, स्टोरी की तरह है पोएम। ओके, तो इसे आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, ये था आप लोग का राइम्स का होमवर्क, हिंदी राइम्स का। अब आप लोग ओपन करिए अपनी अपनी फेवरेट सब्जेक्ट मीन्स ड्रॉइंग की बुक। तो कर लिया आप लोग ने आर्ट की बुक ओपन। देखिए अब आते हैं हम लोग आज के, हम लोग का होमवर्क है, आज हम लोग का होमवर्क है पेज नंबर 6। ये क्या है, इस फिगर को पहचान रहे हैं आप लोग, ये फिगर है आपका डायनासोर का। ठीक है, डायनासोर को आपने देखा है, एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा क्योंकि डायनासोर बहुत पहले ही विलुप्त हो गए, मतलब पहले ही मर चुके हैं। ठीक है, बहुत पहले सदियों में ही। ठीक है, बट डायनासोर हमारे पुराने समय में रहते थे, ठीक है, हमारे पूर्वजों के समय में, समझे। और डायनासोर का शेप पता है बहुत बड़ा सा होता है, डायनासोर हम लोग से बहुत बड़े होते हैं। तो डायनासोर कौन से कलर का होता है, डायनासोर होता है ब्राउन कलर में या फिर ग्रीन कलर में, ठीक है, बट यूजुअली ग्रीन कलर का ही होता है। तो मैंने यहाँ ग्रीन कलर लिख दिया है, आप लोग को इसकी पूरी बॉडी को ग्रीन कलर से करना है। ठीक है, और इसके जो नेल्स है उसे आप ब्राउन कलर में करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे बी लिख दे रही हूँ, बी मीन्स ब्लू ना समझिएगा, बी मीन्स ब्राउन। ओके, समझ गए। तो इसकी जो टांग है उसे आपको रेड कलर से कर देनी है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट पेज नंबर 6 इन ड्राइंग। ठीक है, आपका ड्राइंग का होमवर्क रहेगा। तो आज जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है इसे आप लोग को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।